हेलो हेलो हेलो। तो चलें जी, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। डेटा DF3 आप डाउनलोड कीजिएगा, लिंक दी हुई है मैंने, यहाँ पे भी दी हुई है, पिछले ट्यूटोरियल की डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा DF3। तो ये है और हमें यहाँ पे ये प्लॉट करना है। ये एक स्कैटर प्लॉट है। पहले तो सिंपली ए और बी के बीच में है ना, एक्स पे ए है, वाई पे बी है। तो हम बना लेते हैं अपना इसको मैंने किस में स्टोर किया है, DF3 पे। तो DF3 डॉट प्लॉट डॉट स्कैटर, और इसमें एक्स आपका ए है और वाई आपका बी है। तो सॉरी, एक्स वाई। अच्छा, इसमें मैं कुछ और फंक्शनलिटी जो इसकी है ना, एक्स वाई और ये भी आई गेस मुझे देने पड़ेंगे। तो इसमें मैं सी अपना कलर है जो मैं रेड दे देता हूँ, और एस रेड से मैंने 50 किया। भी नहीं हो रहा, इसमें क्या गलती आ रही है? ऐसे ही अगर कॉल करूँ तो वैसे मसला आएगा, क्योंकि इसमें दो आर्गुमेंट सी इसको चाहिए। एक्स इक्वल टू मैंने ए दिया, वाई इक्वल टू मैंने बी दिया। हाँ, अब तो हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा था? पहले शायद कोई गलती थी। तो चलें, ये हमारा स्केल प्लॉट हो गया। इसमें आप कलर दे सकते हैं, कलर मैंने रेड दिया लेट से, तो हमारा रेड हो गया। और इसकी ये क्योंकि स्केल प्लॉट देखें ये पूरे पे आ गया, तो इसकी मैं थोड़ी फिगर चेंज कर देता हूँ। फिगर लेट से फिग साइज ये मैं 10x3 कर देता हूँ, ताकि थोड़ा इस तरह लंबा हो जाए। हाँ, ये देखें ठीक हो गया, इसी तरह ही था आई गेस वो। और मैं अब भी नीचे वाला छोड़ देता हूँ ताकि। तो ये हमारा कौन सा प्लॉट है? ये इस प्लॉट है फ्रीक्वेंसी का। तो ये मैं बनाता हूँ DF3 डॉट 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 हिस्ट, या ऐसी। अच्छा, हिस्ट तो ऐसे भी आ जाता है। अच्छा, और ये एक वेरिएबल का बनेगा ना, जैसे पहले ए का बनाते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, सेम ही है, ठीक हो गया। अच्छा, डिज़ाइन का आप टेंशन नहीं लें। इसमें अगर मैं डॉट 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 इस्ट करता हूँ तो आई गेस ये वाला आ गया। हाँ, अब ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। चलें आगे आते हैं। ये प्लॉट अगर आप देखें तो ये वाला सेम ही है, इसमें जस्ट बिन्स ज़्यादा हैं और कलरिंग चेंज इसलिए हुई है क्योंकि स्टाइल हमने जो चेंज किया था ना वहाँ पे, PLT डॉट स्टाइल डॉट यूज, और इसने वो GG प्लॉट वाला स्टाइल यूज किया है। और यहाँ पे अगर मैंने DF3 और इसका ए डॉट इस, और इसने बिन्स कुछ ज़्यादा दे दिए लेट से, मैं 30 बिन्स दे दिया, ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट सेम ही बना है इसकी। अच्छा, एक कलरिंग थोड़ी आपको कम करनी है, तो याद है इसमें एक अल्फा का कीवर्ड था, अल्फा इक्वल टू लेट से मैं 0.4 कर लेता हूँ, तो मे बी लेस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब हो गया सेम टू सेम, ऑलमोस्ट सेम टू सेम। कमिंग टू दिस वन, इसमें ए और बी दो कॉलम्स का बॉक्स प्लॉट बना हुआ है DF3, और इसमें मैं ए और दो कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ए एंड बी, और इसका बॉक्स प्लॉट बना लेते हैं। तो ये आपका बॉक्स प्लॉट बन गया। और ये KD प्लॉट का आपको, अच्छा यहाँ पे अगर आप पूछेंगे कि मैंने ए क्यों सेलेक्ट किया, तो इसमें आपको बता रहा है यहाँ पे, ये आपको बता रहा है कि आपको कौन सा कॉलम यूज करना है, ठीक है। चलें यहाँ पे आते हैं। तो KD प्लॉट बना रहा है हमें DF3, और उस इसका D कॉलम का मुझे KDE बनाना है। तो ये आपका KD प्लॉट हो गया, सही है। फिगर आउट हाउ टू इंक्रीज द लाइन विड्थ एंड मेक द लाइन स्टाइल डैश्ड, नोट यू वुड यूजुअली नॉट डैश KD प्लॉट लाइन। तो हमारा पहला वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला, और इसमें हमें थोड़ी स्टाइलिंग देनी है। लाइन विड्थ यहाँ पे देता हूँ, लाइन WD विड्थ इक्वल टू लेट से मैं 3 देता हूँ, और लाइन स्टाइल में लेट से इसने कौन सा दिया है, डैश डैश वाला दिया है। हाँ जी, तो हो गया। लाइन विड्थ को आप LW भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, सेम टू सेम।
ठीक हो गया। और ये आपका एरिया फंक्शन बना हुआ है सिंपल सा, सही है। और इसमें हमें प्लॉट करना है सारा, तो df3 डॉट प्लॉट डॉट एरिया मैं ऊपर बनाता हूँ ताकि नीचे वाला पढ़ा रहे कंपेयर कर सके। इसमें मैं थोड़ा इस तरह क्यों आ रहा है, अच्छा ये कह रहा है कि जस्ट 30 रोज तक का बनाना है, और 30 रोज हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस ix से कर सकते हैं, तो डॉट ix और इस पे मैं अपनी 30 0 से 30 रोज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया 30 रोज का, और ये कलरिंग थोड़ी इसकी कम है, तो मैं इसके लिए, अच्छा ये वार्निंग को ना इग्नोर कीजिएगा, इसको मैं अल्फा 0.4 दे देता हूँ। ठीक हो गया, सेम टू सेम, दैट्स इट। और ये आपका बोनस चैलेंज है, इसमें कहता है नोट यू मे फाइंड दिस रियली हार्ड, रेफरेंस द सॉल्यूशन इफ यू कॉन्फिगर इट आउट। सॉल्यूशन मैं खुद ही बना रहा हूँ, ये मैंने वैसे एक्सरसाइज को ली हुई है। नोटिस हाउ द लेजेंड इन आवर प्रीवियस फिगर ओवरलैप्ड सम ऑफ एक्चुअल डायग्राम, कैन यू फिगर आउट हाउ टू डिस्प्ले द लेजेंड आउटसाइड ऑफ दिस प्लॉट H1 बिलो। तो इसमें अगर आप ये देखें ना, लेजेंड आपका अंदर है, इसको आपको बाहर दिखाना है। गूगल भी कर सकते हैं आप, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पहली बात तो ये कि हमारा प्रीवियस कोड तो पूरा सेम ही होगा, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, PLT से लेजेंड जो आपका आता है उससे हम इसको कंट्रोल करेंगे, लेजेंड, और इसकी लोकेशन हम चेंज करेंगे। तो मैं एक फिगर क्रिएट कर लेता हूँ इसकी, PLT.figure, और ये मैं लेट से एक जी को दे देता हूँ, और ये मेरा यहाँ पे आएगा जी डॉट FCA, और ये मैं एक एक्सेस को दे देता हूँ इसको। ठीक हो गया, और PLT लेजेंड में लोकेशन में दे देता हूँ, लोकेशन कौन सी है, ये सेंटर पे लेफ्ट पे है, तो सेंटर लेफ्ट लोकेशन में दे दी। अच्छा मैं शो करता हूँ, ऑलमोस्ट आगे सामने कर लिया होगा, या फिर और आर्गुमेंट को चेंज। अच्छा मैंने कहाँ पे गलती की है, यहाँ पे कॉमा दी थी, नहीं फिगर ऑब्जेक्ट हैज नो FCA, क्यों FCA नहीं सॉरी GCA, हाँ जी। तो अच्छा ये लेफ्ट नहीं राइट साइड है, तो लेफ्ट सेंटर राइट है, लेकिन ये फिर भी अंतर आ रहा है ना, तो इसमें हम यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। इसमें एक आगेस होता था कि इसका एक आर्गुमेंट होता था पैरामीटर्स में, ये PB box to anchor, इससे हम इसकी लोकेशन चेंज करेंगे। तो ये इक्वल मैं करता हूँ, लेट से हमारा 1.5 नहीं, अच्छा इसको है ना यहाँ पे, इसलिए इसको मैं लेफ्ट लाऊँ, फिर ये 1.25 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट सेम है। सो दैट्स इट, वी आर डन। ये पेंडास की अपनी जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के, वो हमने यूज़ किए हैं। अब दो डेटा को विजुअलाइज करने के ट्यूटोरियल रहते हैं, एक प्लॉटली पे हम यूज़ करेंगे, और दूसरा जियोग्राफिकल डेटा है ना, वर्ल्ड मैप बनाना, ये वो उन पे बनाएंगे। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन होगा मशीन लर्निंग पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।